क्लास 6 आज हम लोग का क्लास 6 का इमिटिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 3 है और पार्ट 3 क्या क्या है इमिटिंग डाइवर्सिटी या पार्ट 3 में आज हम लोग का ये वीडियो फिनिश हो जाएगा और ये चैप्टर भी आप लोग का फिनिश हो जाएगा फर्स्ट टॉपिक है क्या डाइवर्सिटी इन रिलीजन और पार्ट 1 का डाइवर्सिटी इन रिलीजन का क्या मीनिंग है हम लोग जानते होंगे कि किसी अगर कंट्री में या किसी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हम लोग सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी होते हैं उनका रिचुअल अलग होता है उनका कल्चर अलग होता है फिर भी क्या होते हैं कि वे एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव करते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का रिचुअल अलग है कल्चर अलग है रिलीजन अलग है फिर भी हम लोग क्या यूनाइट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो यूनाइट का काम करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन रिलीजन तो देखिएगा अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम कहाँ पर प्रेयर करते हैं तो मॉस्क्यू में हिंदू कहाँ पर प्रेयर करते हैं तो टेम्पल में क्रिश्चियन कहाँ पर प्रेयर करते हैं तो चर्च में सिख कहाँ पर प्रेयर करते हैं तो गुरुद्वारा में कहा जाता है इन सभी का लैंग्वेज भी अलग होता है और स्क्रिप्ट भी अलग होता है फिर भी क्या करते हैं देखिए सभी एक ही कंट्री में रह रहे हैं और एक ही किसी ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं फिर भी एक अलग अलग कम्युनिटी है हिंदू का कम्युनिटी अलग है इनका रिचुअल अलग है इनका ट्रेडिशन अलग है जीएस करिएगा इनका रिचुअल अलग है कल्चर अलग है ट्रेडिशन अलग फिर भी सर्वाइव एक ही रीजन में कर रहा है पारसी का लीजिएगा इनका जीएस अलग है रिचुअल अलग है कल्चर अलग है फिर भी एक ही रीजन में सर्वाइव कर रहा है फिर देखिएगा क्रिश्चियन का लीजिएगा इनका कल्चर रिचुअल फेस्टिवल सब अलग होते हैं फिर भी एक ही रीजन में सर्वाइव करते हैं मुस्लिम तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों को यूनिटी डाइवर्सिटी रहा कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो हम लोगों को यूनाइट करते हैं जैसे देखिएगा नेशनल फेस्टिवल जैसे नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती हम लोग का नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक ही अचीवमेंट होता है वो अचीवमेंट क्या होता है कि हम लोग यूनाइट हों यूनाइट हो नेशनल लेवल पे जब तक अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लोग का प्रोग्रेस नहीं करेंगे अब एक होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स का अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी हम लोग क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं जैसे देखिए किसी फैमिली का अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी स्टेट का अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है फिर देखिए किसी अलग स्टेट का अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है फिर भी क्या करते हैं कि हम लोग इंडिया का रीजन कहलाते हैं इंडिया का एरिया कहलाते हैं या इंडियन सिटीजनशिप कहलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को यूनिटी डाइवर्सिटी लाता है अब आते हैं वे ऑफ लाइफ वे ऑफ लाइफ में पढ़ने का फूड है अच्छा देखिए आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाइएगा तो वहाँ अलग अलग टाइप्स का फूड होता है जैसे देखिए अगर आप भुवनेश्वर जाइएगा या उड़ीसा साइड जाइएगा तो वहाँ पे इडली डोसा फेमस है जैसे हम लोग के यहाँ पे समोसा फेमस है तो वहाँ पे जाइएगा साउथ इंडिया में तो आपको कहीं भी खाने के लिए सिर्फ इडली डोसा मिलेगा यानी दूसरी चीज़ मिल ही नहीं सकता मतलब बहुत रेयर में मिलता है दूसरा नंबर में है कि केरला साइड में जाइएगा तो जो भी एरिया कोस्टल रीजन को टच करती है वहाँ का फेमस होता है राइस एंड फिश का ही क्योंकि जानते होंगे कि कोस्टल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन फिशरीज होता है अब आते हैं जैसे केरला ले लीजिए आंध्र प्रदेश ले लीजिए तो आंध्र प्रदेश में राइस इडली डोसा फिश ये सब काफ़ी फेमस होता है देखिए हम लोग का फूड हैबिट अलग है और नॉर्थ इंडिया का भी लोग का फूड हैबिट अलग है अगर आप माउंटेनर रीजन में जाइएगा जो हिली रीजन होगा वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड फेमस होता है नॉन वेजिटेरियन फूड इसलिए फेमस होता है क्योंकि वहाँ का एरिया हमेशा कोल्ड रीजन एरिया होता है कैसा रीजन होता है तो कोल्डेड रीजन एरिया होता है तो वहाँ पर लोग वेजिटेरियन की जगह पर नॉन वेजिटेरियन फूड टेस्ट करते हैं क्योंकि जब कोल्डेड रीजन होता है तो वहाँ पर फूड सप्लाई वेजिटेबल सप्लाई अदर रीजन से होता है वो सब ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड फेमस होता है अब आते हैं नेक्स्ट में कलॉप्स में अब देखिएगा कि क्लॉथ्स पे आइएगा तो क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के आदमी अलग टाइप के क्लॉथ पहनते हैं गुजरात के आदमी अलग टाइप से क्लॉथ पहनते हैं नॉर्थ इंडिया के आदमी अलग टाइप से क्लॉथ पहनते हैं जिससे आप लोग साउथ इंडिया को देखिए साउथ इंडिया में क्या फेमस है आप लोग साउथ मूवी देखते होंगे तो लुंगी देखते होंगे काफ़ी फेमस होता है और ऊपर से एक ड्रेस डाला जाता है नॉर्थ इंडिया में क्या होता है हम लोग का जीन्स शर्ट टी शर्ट यानी हम लोग वेस्टर्न कल्चर के ऊपर करते हैं देखिए तो इस तरह से फेमस होता है पहले क्या था कि जब उन लोगों का कंट्री यूनिटी डाइवर्सिटी नहीं था तो हम लोग कंट्री में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया हुआ था
हम लोगों के कंट्री में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसके द्वारा लगाया गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था। कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समाप्त किया गया। देखिए, तो जब तक अगर हम लोग यूनाइट नहीं थे तब तक यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। जब हम लोग यूनाइट हो गए तब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। तो उसी दिन से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए और हम लोग का खुद का रूल रेगुलेशन हो गया, हम लोग का खुद का शासन हो गया। तो कहा जाता है यूनिटी डाइवर्सिटी अब एक इकोनॉमिकल वे पे होता है। इकोनॉमिकल वे पे अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं तो भी हम लोग क्या होता है कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को यूनिटी डाइवर्सिटी का काम करता है। फर्स्ट ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी का जो थॉट दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा गया था कि जब तक अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लोग क्या हो सकते हैं, हम हमारा कंट्री तब तक फ्रीडम नहीं होगा, तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इसी तरह आज आप लोग का ये चैप्टर जो है 23 फिनिश।